वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में परमाणु संरचना लेसन को पढ़ रहे थे और इस परमाणु संरचना लेसन में हम सभी लोगों ने अभी पिछले कुछ एक वीडियो से जिस टॉपिक को डिस्कस किया है उसका नाम है क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्याओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो किस तरह से किए जाते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो ना देखे हों वो क्रम से वो वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपको क्वांटम संख्या नहीं आती है तो आपको ये टॉपिक जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो समझ में नहीं आएगा। कन्फर्म है कि वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप परमाणु संरचना का वीडियो मैंने जितने भी अपलोड कर चुका हूँ आप क्रम से नंबर एक देख लें, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नंबर दूसरा, आप सभी लोग एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस लेसन से ठीक पहले मैं आप सभी लोगों के लिए 11th क्लास का एक लेसन कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। उसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ये बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने लगभग 32 वीडियो अपलोड किए हैं, तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को न देखा हो वो वीडियो को क्रम से देख लें। इससे आपकी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक की केमिस्ट्री पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, खैर, जिन्होंने क्वांटम संख्या पढ़ा हुआ है हम उसके आगे के टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक का नाम है जिसको हम बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, जिसको बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दूसरे टॉपिक का नाम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन के 11th क्लास में आने की ऑलमोस्ट 100% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इन टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आपने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा, डी ब्रोगली का समीकरण पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डी ब्रोगली का समीकरण, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, और आगे चल के एक और पढ़ेंगे अबाउज रूल। वो पांच जो नियम हैं इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि 11th क्लास में ज़्यादातर एग्जामिनेशन ज़्यादातर कॉलेजेस में पूछा जाता है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। एक मिनट भी आप स्किप मत करिएगा, मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, नियम उसके बाद में सिखाऊंगा। देखो कैसे, जैसे हमने आपसे बोला कि आप बताओ नाइट्रोजन, हमने बोला नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपने बोल दिया इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। हमने बोला इसका विन्यास क्या होता है, तो आप बोलोगे सर विन्यास तो हमें लिखना आता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जो विन्यास लिख रहे हैं मान लो कि वो आपको आता है, अभी सिखाएंगे हम आपको विन्यास लिखना, तो आपको और आ जाएगा। फिलहाल छोटा सा विन्यास है, आप जल्दी से सीख सकते हो, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अगर आपको नाइट्रोजन का उदाहरण नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। हमने कह दिया चलो बताओ हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपने कह दिया हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और इसका विन्यास तो छोटा सा आपको लिखी लोगे, 1s2 हो गया। क्लियर है? अब आप बताओ, आपको पता है कि जो s कक्षक है, सॉरी जो s उपकोष है, जो s उपकोष है उसमें केवल और केवल एक कक्षक होता है, 1s में भी एक होगा, इसी तरह से अगर हम 2s उपकोष में देखें तो उसमें भी क्या होगा, एक कक्षक होगा। और जब हम 2p की बात करेंगे तो p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। क्लियर है? अब आप बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। हमने लिख दिया देखो, एक पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं भरा, यहीं क्यों भर दिया, सिखाएंगे अभी। जैसा हम बता रहे हैं थोड़ी सी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लो, हम हर चीज़ का आंसर आपको आगे दे रहे हैं। 1s2 लिख दिया, इसी तरह से हमने बोला 2s2, तो आपने कह दिया ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन, देखो दो तो ये भर चुके थे, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2p3, इसमें ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठवां इलेक्ट्रॉन और ये सातवां इलेक्ट्रॉन।
अब आप इलेक्ट्रॉन को पहचान तो सकते हो, पहला मतलब ये वाला, दूसरा मतलब ये वाला, तीसरा मतलब ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा, छठवा, सातवा। अब आप क्या काम करिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, सात हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो ले लो, पहला दूसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, दूसरा पांचवा ले लो, सातवा छठवा ले लो, कोई भी ले लो। चलो हम एक उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमने ले लिया थर्ड इलेक्ट्रॉन और हमने ले लिया सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, हमने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, कौन कौन से, थर्ड इलेक्ट्रॉन ले लिया और कौन सा इलेक्ट्रॉन ले लिया, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन ले लिया। और हमने क्या काम किया कि चारों क्वांटम संख्याएं निकाली, n का मान निकाला, m का मान निकाला, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान निकाला तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, और ऐसे ही मान हमने निकाला सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के मान निकाल लिए, अब सॉरी क्वांटम संख्या के मान निकाल लिए। अब देखो क्वांटम संख्या के मान आपको निकालना सिखाए हैं हमने, आप बताओ तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो आप बोलोगे तीसरा इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर है, 2s2 में है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 2s2 में है, इस s के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान कितना होगा, 2। l के लिए सॉरी s उपकोश के लिए l का मान कितना होता है, 0, क्यों होता है 0, क्योंकि ये कौन सा उपकोश है, s उपकोश है, इसलिए l का मान कितना हो गया, 0। अब आप बताओ l बराबर अगर 0 है तो m बराबर भी क्या होगा, प्लस 0 से माइनस 0, दैट इज 0, तो m का मान भी 0 हो गया। अब आप बताओ ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसकी दिशा कौन सी है, तो पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, ऊपर साइड में है ना, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम s का मान लिखें, चक्रण क्वांटम संख्या का मान लिखें, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1/2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछते कि नाइट्रोजन के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालो, तो आप ऐसे ही तो निकालते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हमने कहा चलो सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, कोई दिक्कत नहीं, सातवां इलेक्ट्रॉन आप बताओ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे 2p3 में है सातवां इलेक्ट्रॉन, खुद देखो पहला दूसरा था 1s में, तीसरा चौथा था 2s में, पांचवा छठवा और सातवां किस में है, 2p3 में है, तो सातवां इलेक्ट्रॉन 2p3 में है, इसमें p के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, 2। अब बताओ ये p उपकोश है, p उपकोश में दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान कितना होता है, s के लिए तो होता है 0, p उपकोश के लिए कितना होता है, 1। तो आपने देखो p उपकोश के लिए भी l का मान निकाल लिया, 1 आता है। अब आप बताओ m का मान, अगर l का मान 1 है तो m बराबर क्या होगा, प्लस 1 से माइनस 1, तो देखो प्लस 1, 0, माइनस 1, तो आप बताओ सातवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आप बोलोगे पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा, छठवा, सातवां, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन है, सातवें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है, माइनस 1, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है माइनस 1, और एरो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब s का मान क्या हो गया, प्लस 1/2। तो आप खुद से देखो, अगर हमने कहा कि नाइट्रोजन के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालो, तो आप निकाल सकते हो, इसका मैंने पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, जिनको नहीं आती है वो देख लें वीडियो। नाइट्रोजन के सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालो, आप निकाल सकते हो। आप अगर चाहो तो और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं निकाल लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकाल लो, किसके लिए, नाइट्रोजन के सात इलेक्ट्रॉन है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, सबके लिए आप क्वांटम संख्या के मान निकाल लो, आप देखोगे कि क्वांटम संख्या के मान एक जैसे नहीं है। देखो n का मान तो समान है, l का मान असमान है, m का मान असमान है और s का मान समान है, मतलब जो चार क्वांटम संख्याएं होती हैं उनके मान समान नहीं है, क्लियर है। और यही नियम होता है पाउली का अपवर्जन नियम, नियम क्या है, क्या लिखेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, दो कंपैरिजन तो आप दो में ही कर रहे हो, ठीक है, या किसी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना उसी परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के लिए
दो इलेक्ट्रॉन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन दो इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको लिखना चाहिए किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये इतना सा नियम है, आपको खुद देख लो, आप तो याद मत करो, आप तो निकाल के देखो। नाइट्रोजन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, सातों इलेक्ट्रॉन के लिए आप चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लो और आप फिर कंपैरिजन करो तो आप देखोगे n का मान हो सकता है समान आ रहा है, l का मान हो सकता है समान आ रहा है, तो m का मान अलग आ रहा होगा या s का मान समान आ रहा होगा। तो मतलब कुछ एक चीज़ों में आप कंपैरिजन करके देख लो तो आप देखोगे कि तीन मान तक तो समान हो सकते हैं मगर चारों मान समान नहीं हो सकते हैं, और यही उनका नियम था। नियम बड़ा सरल सा है कि किसी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन कर रहे तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या और दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को कंपैरिजन करो तो दोनों के मान समान नहीं आ सकते और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वांटम संख्याएं तो हमें बताती क्या हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताती हैं, और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अलग स्थिति होती है और अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। तो आप बताओ अगर क्वांटम संख्याओं के मान समान आ गए तो कैसे पॉसिबल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की चूंकि स्थिति और ऊर्जा डेफिनेटली अलग अलग होती है किसी भी परमाणु में उपस्थित, सभी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा अलग अलग होती है, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि उस परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं के मान को तो अलग आना ही था। बस उसको नियम के रूप में प्रस्तुत कर दिया और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम फटाफट लिख दोगे और लिखने के बाद ये उदाहरण लिख दोगे। उदाहरण क्या लिखोगे, नाइट्रोजन के तीसरे और सातवें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निम्न प्रकार हैं, बना दो। और फिर क्या लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हैं, जिससे पाउली के अपवर्जन नियम की पुष्टि होती है। अगर आपको ये नियम थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, मतलब ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, वैसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो सरल उदाहरण है। अभी हम मान लो कहते हैं कि आयरन के 24वें इलेक्ट्रॉन और 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं में कंपैरिजन करो, तो फिर तो वो तो और बड़ा क्वेश्चन हो जाता, तो क्वेश्चन बड़े नहीं लगने चाहिए। हाँ, मगर टाइम कम है तो आप ये सरल उदाहरण भी ले सकते हो। हमने हीलियम का परमाणु क्रमांक लिखा 2, इसका विन्यास लिखा 1s2। अब आप बताओ s में तो एक ही कक्षक होता है और उस एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर और एक नीचे। अब हम बताओ इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया और हमने क्या ले लिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले लिया। दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमने इनकी चारों क्वांटम संख्याओं में कंपैरिजन किया, n निकाला, l निकाला, m निकाला और s निकाला। अब हमने जब चारों मान निकाल लिए तो आप खुद बताओ पहले चारों मान निकालेंगे कैसे। तो आप बोलोगे पहला इलेक्ट्रॉन हो चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों किसमें, 1s2 में, और 1s2 में s के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना होगा, 1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान कितना होगा, 1। पहला इलेक्ट्रॉन हो चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो दोनों s में। अब s के लिए l का मान कितना होता है, 0, और l का मान दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, 0। अब अगर l बराबर 0 है तो m बराबर क्या होगा, 0 0, प्लस 0 से माइनस 0, दैट इज 0। अब आप बताओ s का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है मतलब +1/2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे है मतलब -1/2। तो आप बताओ n का मान तो कॉमन है, l का मान भी समान है, m का मान भी समान है, मगर s का मान कैसा है, अलग अलग है। तो आप खुद देखो चार क्वांटम संख्याएं हैं, क्या चारों के मान समान थे, तो आप बोलोगे नहीं, तीन मान समान तो हो सकते हैं मगर चौथा मान समान नहीं हो सकता है, और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, आप बहुत सीधा सीधा लिखोगे किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। और उदाहरण में आप चाहो तो ये लिख दो, चाहे तो ये लिख दो, यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसी से एक कंक्लूजन देखो, सोचो ये हमारे पास एक कक्षक है, आप बताओ इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही तो होता है। कोई पूछेगा सर आप 2 ही क्यों होते हैं, 3 क्यों नहीं होते, चलो हमने कह दिया चलो 3 होते हैं। मान लो इस कक्षक का नाम है 2s3,
इस कक्षक का नाम क्या रख दिया, 2s3। तो आप बताओ इस इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना है, तो आप बोलोगे 2। l का मान कितना है, तो आप बोलोगे 0 क्योंकि s है। m का मान कितना है, तो आप बोलोगे +0 से -0, दैट इज 0। और s का मान कितना है, तो आप बोलोगे +1/2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर है। अब बताओ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n बराबर क्या आएगा, 2। l बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0। m बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0। और s का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे -1/2। अब हम कहें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालो, निकाल दो, n का मान फिर से आया 2, l का मान कितना आया 0, m का मान कितना आया 0, और s का मान कितना आ गया +1/2 आ गया ना। तो आप बताओ ये चार क्वांटम संख्याएं और ये चार क्वांटम संख्याएं क्या हो गई, समान। समान हो ही नहीं सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान तो समान हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये तीन इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप आंसर दे दो एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे 2 ही क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे कि यदि एक कक्षक में हम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख दें, तो हम अगर उनकी क्वांटम संख्याएं निकालेंगे तो उनकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग प्राप्त नहीं होंगे बल्कि समान तरीके से प्राप्त होने लगेंगे। इसलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे और किताब से ज़रूर पढ़ लोगे। ये था हमारा टॉपिक पाउली का अपवर्जन नियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। क्या नियम है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, देखो ध्यान से समझना। पाउली का अपवर्जन नियम हो या हुंड का बहुलता का नियम, इसके एप्लीकेशन पार्ट में तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर सारे एप्लीकेशन पार्ट यहाँ वीडियो पे डिस्कस करने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, वरना ये टॉपिक बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे और फिर आप थोड़ा सा टॉपिक को समझने में कैपेबल नहीं होते हो, तो फिर आप उस चीज़ को देखते नहीं हो। इसलिए मैं उन पार्ट्स को फिर कभी फिर किसी वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, बट अभी मैं केवल आपको ये पोर्शन जो आपको समझा रहा हूँ, ये केवल इस दृष्टिकोण से समझा रहा हूँ कि आपको टॉपिक भी आ जाए और आप इसको अप्लाई भी कर पाओ, और 11th नहीं किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओ। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एप्लीकेशन पार्ट पर हम लोग नहीं चल रहे हैं, केवल शुरुआत का सतही चीज़ें थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से आने लगे। तो देखो हम बात करते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। देखो हमने आपको क्या एक शब्द सिखाया था, इलेक्ट्रॉन का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम बोलते हैं, आपने शब्द सीखा था। हमने क्या बोला था कि हमारे पास कोई परमाणु है, उस परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कैसे भरते हैं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। ठीक है? और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किसने दिया था, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसने समझाया था, बोर बरी ने, और बताया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। मतलब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसने सिखाया था, बोरबरी ने। उसके बाद आई उपकक्षा। उपकक्षा का मतलब है कि एस उपकोष में जाएगा, पी उपकोष में जाएगा, डी उपकोष में जाएगा। तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है उसको हम सीखेंगे अबाउज रूल में, कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, 1s में जाता है, 2s में जाता है, 2p में जाता है, 4d में जाता है, कहाँ जाता है, मतलब कोश से छोटे होते हैं उपकोश। तो उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इसके लिए हमारा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अबाउज रूल। वो क्या है उसको हम डिटेल में अलग सेपरेट वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे, मगर अभी हम उपकोष के आगे चलते हैं। उपकोष बने होते हैं कक्षकों से, तो किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित कक्षकों, किसी परमाणु में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण स्पष्ट करने के लिए हुंड ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम हुंड का नियम कहते हैं। ये भाषा आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी परमाणु में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए हुंड ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम हुंड का नियम कहते हैं। अब हुंड का नियम है क्या, उसको आप उदाहरण से समझो, फिर आप
भाषा के रूप में हम बाद में लिख देंगे। जैसे हमने कहा ये हमारे पास एस कक्षक है, सॉरी एस उपकोश है, और एस उपकोश में एक कक्षक होता है, बढ़िया है। हमने कहा पी उपकोश है, तो आप बोलोगे पी उपकोश में तीन कक्षक होते हैं, आपने कहा ये भी बढ़िया है। हमने कहा डी उपकोश है, तो आपने कहा डी उपकोश में पांच कक्षक होते हैं, और एफ उपकोश में कितने कक्षक होते हैं, सात कक्षक होते हैं, ये आपको पता था। ठीक है, अब आपको हमने क्या बताया, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इसी को बताने के लिए हुंड ने नियम दिया, जिसको हम बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड क्या कहते हैं कि हम कोई एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लो हमने डी का उदाहरण ले लिया, तो हमने डी कक्षक, सॉरी जो हमने डी उपकोश है वो कई बार बना लिया। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने बनाया, ध्यान से समझना। से हमने क्या कहा कि हमारे पास डी उपकोश है, ये समझाने के लिए बनाया है हमने, ऐसा नहीं है कि आप देखो, हमने डी कक्षक समझाने के लिए बना लिए पांच बार, क्यों बना लिए सोचो। आपको पता है कि एक कक्षक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, नाम भी आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब बताओ अगर हम बोलें कि डी उपकोश में कक्षकों में पहला इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप बोलते हो भर दो, ये पहला इलेक्ट्रॉन है। हम कहते हैं दूसरा भरो, तो पहला तो ये है, दूसरा ये है। हमने कहा तीसरा भरो, तो आप कहते हो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हम कहते चौथा भरो, तो आप कहते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम कहते पांचवा भरो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम कहते छठवा भरो, तो छठवा भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर अगर भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छठवा कहाँ से आएगा, ये आएगा छठवा। आप और बना लीजिएगा, छठवा इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से बना लीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगा डी वन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा डी टू, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए तो डी थ्री, चार इलेक्ट्रॉन भर दिए तो डी फोर, पाँच इलेक्ट्रॉन भर दिए तो डी फाइव। अब अगर छः इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। अब देखो पाँच कैसे थे, सब ऊपर के ऊपर थे, पाँचों की दिशा कैसी थी, समान थी, और छठवें की दिशा कैसी हो गई, विपरीत हो गई। अब सातवें की दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत ही चलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवा, ये क्या कहलाएगा डी सेवन। इसी तरह से आप बना लीजिएगा, डी एट बनेगा, डी नाइन बनेगा और डी टेन बनेगा। अगर डी का उदाहरण लेते हो तो ऐसी आपको 10 संरचनाएं बनानी पड़ेंगी और एक एक करके समझाओगे कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा। अगर आप पी को लेते हो तो पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आपको 6 संरचनाएं बनानी है। डी का उदाहरण लेते हो तो आपको 10 संरचनाएं बनानी है। एस को उदाहरण में समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे जो आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, F का उदाहरण लोगे तो आपको 14 बनाने पड़ेंगे, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 और फिर 8, ऐसा हम यहीं पर बना दे रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, अब इस तरह से आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, चौदहवा। ठीक है, तो F1, F2 ऐसे ऐसे बनाते जाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, F14 कर लोगे। तो आप कहोगे हाँ हमें तो ये तो आता है, ये तो आप पहले भी यूज़ करते थे, हमें तो आती हैं ये चीज़ें। बस ये जो चीज़ें आती हैं इसी को अगर भाषा के रूप में लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। बिल्कुल सिंपल सा नियम है, देखो हम क्या लिखेंगे, किसी उपकोश के कक्षकों में, किसी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हुंड द्वारा एक नियम प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया जिसे हम
जिसे हम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं, बहुलता का नियम कहते हैं। पूर्व विराम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब यहां लिखेंगे किसी उपकोश के कक्षकों में, किसी उपकोश के कक्षकों में, देखो ये डी उपकोश है और ये डी उपकोश के कक्षक हैं, ठीक है, किसी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश एक एक करके होता है, एक एक करके होता है। आप खुद बताओ, पहले पहला इलेक्ट्रॉन गया तब दूसरा गया, फिर जब दो भर गए तब तीसरा गया, ठीक है। तो किसी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश एक एक करके होता है, ठीक है, एक एक करके हो गया। उसके बाद लिखोगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहने का प्रयास करते हैं, अयुग्मित रहने का प्रयास करते हैं, देखो अयुग्मित रहने का मतलब है, देखो ये एक बॉक्स था तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा। देखो शुरुआत में हमने एक साथ दो नहीं भरे थे, हमने पहले एक भरा था फिर अगले बॉक्स में भी एक भरा था, तो अकेला रहना इसको बोलते हैं अयुग्मित, और जोड़े में रहना इसको बोलते हैं युग्मित। तो आप देखो, आपने क्या देखा कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश पाते हैं और यथासंभव अकेले रहने का प्रयास करते हैं, या कहो तो अयुग्मित रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके आगे लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समदिश होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समदिश होते हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के इलेक्ट्रॉन देखो दिशाएं क्या, देखो सबकी क्या सीधी, एक जैसी थी ना, ऊपर के ऊपर थी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कैसे होते हैं, समदिश। जरूरी नहीं है हम के पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर ही बनाए, हम पहला इलेक्ट्रॉन नीचे ही बनाएंगे तो दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे, चौथा भी नीचे, पांचवा भी नीचे, फिर छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मगर चूंकि पद्धति है कि हमें पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाना चाहिए, तो हम ऊपर को लेकर के ही आगे की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, किसी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश एक एक करके होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहने का प्रयास करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समदिश होते हैं। उसके बाद लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो जाने के उपरांत कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होता है, युग्मन मतलब जोड़े बनना, युग्मन प्रारंभ होता है, ठीक है। यह हमारा हुंड का नियम है, जो मैंने समझाया है वही भाषा के रूप में लिख दिया है। हमारी भाषा किताब की भाषा से अलग हो सकती है, क्यों, हमने वो सारी चीजें इंक्लूड करी जो हुंड ने बताई है, ठीक है। अब कभी कभी इसी को छोटा करके आपको किताब में लिखा मिल जाएगा, तो आपको जो पढ़ना हो वो पढ़ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण भरने के लिए हुंड ने नियम दिया, जिसको बोलते हैं हुंड का नियम। और इस नियम से हमने क्या सीखा कि उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश एक एक करके होता है, यथासंभव वे अयुग्मित रहने का प्रयास करते हैं, और सबकी जो चक्रण की दिशाएं हैं वो समदिश होती हैं। हाँ, जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं अयुग्मित, तब जाकर के उनमें युग्मन होता है, और युग्मन का मतलब है जोड़े बनते हैं। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे, जब हो जाएंगे तो 6वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होगा,
फिर सभी उल्टी दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो ये हुंड का नियम है। इस हुंड के नियम में जानने वाली चीज़ ये है कि जैसे पी है तो उसमें अधिकतम आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, तो P3 स्टेबल है और P6 स्टेबल है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा वेट करो, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हुंड के नियम के अनुसार या तो वो पूरी तरह भरे हुए हों और आयुग्मित हों तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं, तो P3 ज़्यादा स्टेबल है, P6 भी स्टेबल है, इसी तरह से D5 भी स्टेबल है और D10 भी स्टेबल है, इसी तरह से F7 स्टेबल है और F14 स्टेबल है। ये आप अपने नोट बना करके चाहो तो लिख सकते हो कि हुंड के नियम से यह ज्ञात होता है। S के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, P से रिगार्डिंग स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, हुंड के नियम से यह स्पष्ट होता है। अब स्पष्ट कैसे होता है, मैंने आपको फिर बताया कि इन नियमों की मैं बारीकी और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इनकी आवश्यकता आपको फिलहाल 11th क्लास में नहीं पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हुंड के नियम से स्पष्ट होता है कि या तो उपकोश आधे भरे हुए हों पूरी तरह से या फिर पूरे भरे हुए हों पूरी तरह से। तो देखो, आधे भरे हुए का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन और पूरे भरे होने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से डी में आधे भरे होने का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन और पूरे भरे होने का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में आधे भरे होने का मतलब है F7 इलेक्ट्रॉन और पूरे भरे होने का मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन। तो P3 P6 D5 D10 F7 F14 ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं अन्य के तुलना में। अन्य का मतलब जैसे P3 P6 है तो ऐसा नहीं है कि P5 भी तो होगा, P2 भी होगा, P1 भी होगा। तो इन सभी में अगर हम कंपैरिजन करें तो P3 और P6 क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। या तो आधे भरे हुए हों तो स्टेबल है या फिर पूरे भरे हुए हों तो स्टेबल है। ये हुंड के नियम से एक विशेष निष्कर्ष निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, वो डिटेल हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस डिटेल में जाने का मतलब है फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपने इतनी चीज़ सीख ली, अब इसी चीज़ को नोट बना करके आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। ये कहलाता है हुंड का नियम। आप उदाहरण में डी का उदाहरण ले सकते हो। आप क्या लिखोगे उदाहरण में, डी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के अनुसार निम्न प्रकार होता है, और ये सब बना दोगे, 10 कक्षक बनाओगे। अगर आपको डी बनाने में टाइम लग रहा है तो आप क्या लिखोगे, पी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न प्रकार होता है, और ऐसे 6 कक्षक बना दोगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्रम से भर दोगे। तो इस तरह से आपका हुंड का नियम कंप्लीट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से पढ़िएगा। सीधी सीधी भाषा और एक उदाहरण लिखना है, और 11th क्लास का ये ऑलमोस्ट कन्फर्म क्वेश्चन है कि आपको या तो पाउली के अपवर्जन नियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर हुंड के नियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत डिटेल्ड पर हम लोग पार्ट नहीं बना रहे हैं, कारण उसका केवल इसी है कि आपके लेवल में उतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले और आप नोटिफिकेशन के साथ वीडियो को देख सकें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।